इस मंच पे दो दो विश्वास हैं, विश्वास सारंग भी हैं, कुमार विश्वास भी हैं, बस दोनों में एक फर्क है कि एक को आगे विश्वास है, दूसरे को पीछे विश्वास है। बहुत अच्छे। लेकिन यह भी याद रहे कि विश्वास शब्द खतरनाक है, विश्व में कहीं वास ना हो जाए। हाँ, कोई बात नहीं भैया, मुझे इसलिए प्रस्तुत किया गया है, ये सच है मैं कहना, मैं भी कोई गलतफहमी में नहीं हूँ, मुगालते में नहीं हूँ साहब, लेकिन क्या है कि काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब है, कोई बहाना नहीं है, संपत सरल मेरे साथ में 3-4 दिनों से साथ में यात्रा में है, इसीलिए ख़राब है। जी जी नहीं, इसलिए ख़राब नहीं है, बता दूं मैं आपको, अगला खून तो दे रहा है कम से कम। कोई बात नहीं यार, चुपचाप रहो, आदमी जब नीचे से बोलता है तो वो बेसुरा होता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, मैं आपका बिल्कुल समय खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं हूं, बहुत कम समय अपनी बात कर, मंच पर शानदार जानदार कवि बैठे हैं, मैं अकेला ईमानदार कवि हूं। ईमानदार कौन होता है? जो कवि सुनने वालों को जल्दी छोड़ देता है। हाँ। आइए मैं आपको इशारे से बात करूंगा, लंबी कविता नहीं है, पहला इशारा आपकी महफिल में शायद होली पे समझ में आ जाए। जी। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई मिठाई खिलाओ। हाँ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई मिठाई खिलाओ, जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। बहुत अच्छे, वाह भाई प्रदीप जी, वाह। पहली बार ठीक से क्यों नहीं सुना? साली में ध्यान था। हाँ, जीजा तो कंफर्म था, साली कंफर्म नहीं हो रही थी। बताओ, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत तो कर दी है दिनेश बावरा ने, बेहतरीन, लेकिन हर कवि से कवित्री से प्रार्थना है कि भी अपने थोड़े में बढ़िया अपना काम करें, वही अच्छी बात होती है, हालांकि बार बार नहीं कहूंगा, आइए मैं आपको थोड़ा ही सुनाऊंगा। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई मिठाई खिलाओ, जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। इशारे से बात करना चाहिए, एक और बारीक इशारा, बहुत ही बारीक इशारा, आप दाद देंगे तो मेरा भला होगा और नहीं देंगे तो मेरा क्या बुरा होगा। भाई से तो आ ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा कि इशारा लीजिए, अच्छी बात कहना चाहता हूं कि अगर किताब में पढ़ा मैंने, मेरा अपना कुछ नहीं है। हाँ। जो देखता हूँ, सुनता हूँ, बुनता हूँ, चुनता हूँ, आपकी महफिल में लाता हूँ, एक किताब में पढ़ा डॉक्टर कुमार विश्वास कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, बता दीजिएगा, आइए विश्वास जी, दरवाजा खोल के आए। विश्वास जी बहुत लंबे कद के आदमी हैं साहब, मेरे लिए हीनता का सब्जेक्ट है, लेकिन विश्वास जी बुरा ना मानिए, लंबे कद के लोग बोला क्या तीर मार रहे हैं। मुझे याद है कि एक बहुत लंबा आदमी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए आया, दुकानदार से बोला कि नींबू क्या भाव दिए, दुकानदार बोला बैठ के देख संतरे हैं। बात अच्छे, हर चीज प्रेरणा देती है। मैं आप पे बढ़िया बात सुना रहा था, बता लीजिए, और ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाए तो क्या कहने। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नई है या पत्नी नई है, मगर नहीं आई, मैं जानता था। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि मुझे क्या, इनके पास दोनों ही नहीं है। बात तो मैंने अच्छी कही, लेकिन क्या होता है कि जनता कई बार बड़ी गड़बड़ होती है, जैसे मैं आपको और सुझाव एक और ट्राई करता हूं, शायद ये आपके समझ में आ जाए, और अगर नहीं आई तो फिर मैं वो दूंगा कि वो आ ही जाएगी। जैसा दूसरा फॉर्मूला है कि उस औरत की सुंदर आंख इतनी, उसकी उस औरत की, उस सुंदर स्त्री की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। बहुत अच्छे, आई आई साहब, मैं कविता नहीं सुनाता, मैं तो पब्लिक को एजुकेट करता हूं। ये थोड़ी अधिक समझ में आई, हालांकि ठीक से आई नहीं है, आपने मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए बजा दी है, वरना जनता क्या जानती है, उस सुंदर स्त्री की, उस सुंदर युवती की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। एक और मोटा इशारा है, वो तो आ ही जाएगा, भोंडा का ये नहीं मोटा। देखिए साहब, इशारे की बात करता हूं मैं आपसे कि 16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा, और से सुनना भाई,
16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू ने कहा कि मास्टर जी हम लोग 20 भाई बहन हैं। वाह भाई बिल्लू वाह, समझ में आ गई, क्योंकि सभी बिल्लू के पिताजी बैठे हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है, बढ़ाओ। लेकिन बच्चा तो 21वीं शताब्दी का था, मास्टर 16वीं शताब्दी का। बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने कह दिया कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर समझा नहीं, बोले वो तो मैंने सुन लिया, पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू ने कहा कि अभी आपको बताया ना मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर फिर भी नहीं समझा, झल्ला के बोला यार मैं पूछ रहा हूँ पिताजी क्या करते। तो बिल्लू बोला कि साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो वो और कर भी क्या सकता। आइए मैं आपको थोड़ी देर आपके बीच में हूँ, मेरी तबीयत काफी खराब है, ये कहना नहीं चाहता, ये विज्ञापन करना बेकार बात है, तबीयत तो खराब रहती है। मंच पे आते ही हर मरगिल्ला कभी भी जी उठता है, तो तालियां बज जाती। मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। अभी आप जानते नहीं ऐसा, अभी 5 साल पहले मैं काफी हैवीवेट चैंपियन था और ये तो जन्मजात ऐसा ही है। मैं पैदा हुआ था तब 5 किलो का था और ये जब हुआ था तो केवल हुआ था, बल्कि ये तय करना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। नहीं मैं तो हो गया था, ये तो 9 महीने तो होते ही रहे थे। नहीं मैं तो आलसी आदमी हूं, 15 महीने में हुआ। ये तो हुआ था कि हुई था पता करना मुश्किल है, जब इस उम्र में ये ऐसा है तब क्या रहा होगा कल्पना कीजिए आप। तो इसके पिताजी मेरे मित्र, उसने बताया, पिताजी ने बताया, बोले यार चौबे जी जब ये हुआ था तो पता करना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है, क्योंकि उस समय दोनों की आवाज एक जैसी रहती है। मगर दाई एक्सपर्ट थी, इनके खानदान में परमानेंट थी, वो कईयों को जन्म दिलवा चुकी थी। कुछ ना कुछ पिताजी को, इनके पिताजी को बताया, घबराओ नहीं हुआ ही है। तो तब पिताजी को आराम आया, बोला अगर ये हुआ है, 500 रुपए का नोट निकाला और दाई को दिया कि हुआ है तो फिर ये नोट भी तुम्हारा हुआ है। तो दाई दाई ने मायूसी से नोट लौटा दिया, बोले हिंदो साहब हुआ ही क्या है। बहुत अच्छे, वाह वाह चौबे जी, क्या हुआ है मैं बता दूं आपको। छेड़ने की बात है, तभी तो वाकई खराब थी लेकिन तालियों ने खोल दिया। लेकिन साहब मैं तालियों की चिंता नहीं करता, हमारे संचालक को बड़ी बुरी आदत है, हर संचालक को बुरी आदत है, ताली बजाओ ताली बजाओ। भोपाल क्या ताली बजाने वालों का शहर है? ये तो वो है कि प्रोग्राम अच्छा ना हो तो कवियों को बजा दे। लेकिन साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप हर बात पे माइक माइक माइक, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आवाज बढ़ाओ आवाज, नहीं नहीं आ रही है, निकल इतनी रही है। अपनी पत्नी से छूट के आया हूं, इतनी निकलेगी बस, थोड़ी देर में मर्द हो जाऊंगा, चिंता मत। साहब मैं आपको क्या बताऊं, छोटी सी बात, तो ये ऐसी बात है जो हुई है। हुई है साहब, एक जमाने में मैं भी काफी हैवी वेट चैंपियन था, जहां जाता था लोग मेरी कविताओं पे कम और उस पे ज्यादा हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा, 5 साल पुराने को बता, जैसा कि मैं 5 साल पहले था, हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो, हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ये मेरी मार्केट वैल्यू थी। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो, हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तोलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। जहां जाता था चुनौती होती थी। मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी लेट थी, सोचा वजन लेता हूं, वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। वाह। हम वजन तोलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े, लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़े, 1 साथ 4 लोग न चढ़े। सूचनाएं गौर से पढ़े, 1 साथ 4 लोग ने चढ़े, टिकट विश्वास को दिखाया, वो भी मुस्कुराया, मशीन पर चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला, इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखे। बहुत अच्छे। हास्य कवियों की मुसीबत है,
हास्य कवियों की मुसीबत है कि उन मशीनें भी छेड़ती हैं, दुर्भाग्य है कि मशीनें ही छेड़ती हैं। वाह, आया आया। हसीने कभी नहीं छेड़ती, इसलिए दुखी रहते हैं, फिर भी मैं तो मस्त रहता हूँ, वही मेरी पूंजी है, वही मेरी कैपिटल है, वही मेरी कविता है। एक अमेरिकन पिक्चर आपने देखी होगी, जुरासिक पार्क, उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में डायनासोर ही छाया हुआ था। हमारे ग्वालियर में लगी, मैं भी देखने के लिए गया, टिकट लेने क्यू में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर हूं। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यही खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला, धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब? मैंने कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ू। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है, डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, विश्वास सारंग कहते हैं रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूं मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम करो, कोई करता नहीं। और मैं अनु सपन की बहुत निंदा करना चाहता हूं साहब, मुझे खाना खाने का मौका नहीं दिया, जल्दी आओ मंच पे, शुरू होने वाला है, मुख्यमंत्री आ गए हैं। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, ना खाऊंगा तो निबड़ जाऊंगा। तो बोले नहीं, खाना बाद में बटेगा। अनु सपन, कितने बजे बटेगा? 12 बजे। मैंने खत्म हो गया तो बोले मैं हूं ना। मैंने कहा आप तो हैं लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। पता नहीं उसकी क्या मानसिकता थी भाई, बुरा ना मानिए साहब, मैं ब्राह्मण जरूर हूं लेकिन ब्राह्मणों की दुखद अवस्था मैं बता सकता हूं। आप हंसेंगे मैं जानता हूं, मगर आपके हंसी में मेरे आंसू छिपे हैं ब्राह्मण के, मैं जानता हूं। शताब्दियों से ब्राह्मणों का एक सूत्री कार्यक्रम है, खाओ। ये उसकी तमन्ना नहीं थी, परंतु आप जानते हैं कि हिंदू समाज में चार जातियां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, तीनों जातियों ने ब्राह्मण को कुंठित करने का प्रयास किया। ये बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाओ। तो बाकी तीन जातियां गई ब्राह्मण के पास में, प्रस्ताव रखा, आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। ब्राह्मण को प्रस्ताव पसंद आया, स्वादिष्ट, फुकट में खाने को मिल रहा है, खेचो। शताब्दियों तक खेचा, स्थाई किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं। जातियों का प्लान सक्सेसफुल, यार बैठ जा यार, भैया बैठ जा यार, हो गया यार, किसको बुला रहा है पता नहीं, ऐसे करके घर से बाहर है, किसको बुला रहा। ब्राह्मण दुखी पाए जाते हैं, ब्राह्मण देवता दुखी पाए जाते हैं, क्योंकि कोई बुलाता नहीं है। लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर टुइया ब्राह्मण अमिताभ बच्चन बन जाता है। चारों तरफ से निमंत्रण आता है कि हमारे चाचा जी गुजर गए उनका खा लो, हमारे बाप का खा लो। जिस चाचा बाप को जिंदगी भर ठीक से नहीं खिलाया, उसके मरने के बाद में ब्राह्मण को खिलाते हैं। मैं साहब श्राद्ध का नहीं खाता, मेरा दुख सुनिएगा आप, मैं श्राद्ध का नहीं खाता, जब मैं जिंदा हूं तो अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं। मगर ग्वालियर में मेरी बड़ी रेपुटेशन है, आ जाते हैं। एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। वाह क्या बात है चौबे जी, वाह। मेरी बात समझा नहीं, बोले क्या मतलब। मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया, तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया। मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है, मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूं क्या, उनका माल खाऊं और भी पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। हाँ देखो भाई आदमी का स्वभाव है डॉक्टर विश्वास, आ रही है सुनाई देगा, आ रहा है सुनाई नहीं देगा। इसलिए कह दिया। हाँ जी आ रही है थोड़ी सी, चलो आ गई। तो ठाकुर क्या खाने गया, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया, ठाकुर के पिताजी के श्राद्ध में गया, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी स्पीड देख के थक गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे।
मैं तो तैयारी से गया तो बोला बीच में पानी तो पी लो, मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण मगर इतने गुस्से में हूं कि नॉन वेज भी खा सकते हो। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। बहुत अच्छे भाई। तो मित्रों बात तो यह है कि जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं ये खाने के मारे नहीं मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खाता हूं, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूं, लोगों के गम खाता हूं, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूं। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूं। बहुत अच्छे बात। मेरा एक दोस्त मुझको रोज फोन करता था, चौबे जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। मैं कहता हूं बोलने की क्या बात है भाई, तेरा कोट तेरा, मेरा कोट मेरा। कल के दिन बोले कैसा मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप। कोई ऐसा बोले भाई दबे? चार दिन अपन सुने कि हमारा बाप है, बाद में पांचवें दिन शक हो कि क्या पता है भी कि नहीं। हिंदुस्तान महान है, उस पर कविता जरूर, उस पर इतिहास लिखा जा चुका है। कविता क्या सुनना, आप तो मेरी वो सुनो जो मूर्खता भरी मेरे अनुभव है उनका मजा लो। आपको स्वागत है, मूर्खता अच्छी चीज है। आइए थोड़ा सुनाता हूँ मैं आपको ऐसा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ साहब, मैं जनरल नॉलेज का कवि हूँ। माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध पिया है तो आजा बेटा। सारी जिंदगी आपने हिंदुस्तान में माँ के दूध का सुना होगा, क्या कभी आपने बाप का दूध सुना? एक सवाल है साहब ये। आप ये मैं समझना कि मैं कोई हल्की बात कर रहा हूँ, मैं हल्की फुल्की बात तो कर रहा हूँ, हल्की बात नहीं कर रहा। बाप का दूध मैंने सुना एक बार, अच्छा बल्कि देखा। अच्छा। अभी आगरा में हलवाई की दुकान पर खड़ा था, एक नौजवान आया उसने 2 लीटर दूध पिया और दूध पी करके बिना पेमेंट किए भाग निकला। हलवाई पकड़ के लाया, 4 जूते दिए, क्यों बे साले मुफ्तखोर, दूध तेरे बाप का है। एक बात है कि नहीं बोलो, उस दिन पता लगा कि बाप का भी दूध होता भाई। इसलिए मेरा को बुरा मत पाना, बहुत जो होता बैठ जाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ हाँ दीवार, बहुत सारी कविताएं हैं लेकिन समय कम है और मैं बीमार हूँ। बस ये समझो कि मेरी मूर्ति परसों यहाँ पे लग सकती है, वो तैयारी से आया हूँ। अंडे बेच खरीदने गया साहब मैं, मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया तो मेरी क्या हालत हुई। वाह। मेरी इमेज खराब है, हाथ से कभी हूँ, कोई सीरियसली लेता नहीं है। अंडे वाले से मैंने पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग गलत समझ रहे, मैं जानता हूं। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए, तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं के तरीका। मैं क्या करूं साहब, अगर यहां तक तो बर्दाश्त कर लेता हूं। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? हाँ। वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। अंडे देने वाले पिताजी मैंने पहली बार सुने, उनको देते हुए देखने की तो इच्छा ही खत्म हो गई। कमाल है हिंदुस्तान, उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वो ही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे देके निकल देता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? बोले खानदानी बिजनेस से बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते हैं। आप हमें हाथ से कभी कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम तो फकीर हैं। और गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशा है करम देखते हैं। अंत में एक छोटी सी कविता, अगर आप उसे कविता मान लें स्वागत है। बिल्कुल नहीं साहब, ताली मत बजाना। हाँ, मैं कुमार विश्वास से 50 बार का ताली क्यों बजवाते हो? तो बोले दादा तालियों से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। मैं कहा नहीं, कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती है। हाँ। एक बात है भाई, लेकिन ये बात मैंने ऐसे नहीं कही साहब, आप लोग होंगे 10,000 आदमी मेरे ख्याल से यहाँ पर इस समय। अभी बरेली में प्रोग्राम हुआ था, कुमार विश्वास से पूछिए लाओ। ये क्या चिट्ठी पर्ची आई है? बहुत अच्छी। क्या लिखा? कोई बात नहीं, जो भी लिखा। लिखा है प्रदीप चौबे हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं अपने वंशज को प्रणाम करता हूं।
बात है, अभी बात से बात निकलती। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बस हम बता लो यही कवि सम्मेलन है, और कोई बात थोड़ी है। आइए अंत में छोटी सी, एक छोटी सी हाँ आ रही है। अरे आएगी यार, आवाज कोई है क्या? धीरे से आएगी जब बड़ी हो जाएगी। नहीं, इस कवि सम्मेलन को दो ही चीजों से खतरा है, एक बाहर के कोलाहल से, एक अंदर के अल्कोहल से। नहीं वाकई आवाज नहीं आ रही लोगों, धैर्य रखिए थोड़ा धैर्य। अच्छा मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, सब शांत हो जाइए, मेरे बैठने के बाद में जो मैं दो मिनट में अपना खत्म करूंगा उसके बाद में व्यवस्था की जाएगी। संपत सरल ने कविता का आदेश दिया है, मजा लीजिए कविता क्या है। आ रही है। सिनेमा के पोस्टर लगे हैं, कल्पना कीजिए आप एक फिल्म स्टूडियो में खड़े हुए हैं, सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं, कैसे पोस्टर लगे हैं उनका मजा लीजिए। एक मिनट की कविता है, स्वागत है, पढ़िए। चार पोस्टर, बात समझ में आ जाएगी। मेरा इशारा देखिए कि हम हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। सिनेमा के पोस्टर लगे ही हाँ। सारी फिल्में बन चुकी हैं हिंदुस्तान में, जो लगे हैं बस वही काम है। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा, चोर पुलिस एक दूजे के लिए। और पोस्टर सुनिए, माथा सुनिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। वाह, बेचारे हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। वाह, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर में भाग खड़ा हुआ लिखा हुआ था, गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। वाह, लोग मुझे आदमी नहीं मानते, लोग मुझे देवता बनाना चाहते हैं, मुझे गणपति बना दिया है। अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। और ये तो गणपति का, ये तो गणेश जी के एहसान मानो की सवारी पे नहीं बैठे हैं। ना सवारी के चित्र पे हार टंग जाता और एक अच्छा खासा चित्रहार हो जाता। ये कुमार विश्वास मुझे अक्सर छेड़ता है, अब तो मैं जरा कुछ दुबला पतला हो गया हूँ, बल्कि दुबला हो गया हूँ, बल्कि पतला हो गया हूँ। दुबला तो फिर भी एक स्टेटस है, लेकिन मैं पिछले दिनों काफी हैवी था, तो अक्सर मेरी काया का प्रयोग मंच पे करता था, मुझे मोटा बताता था, मेरी काया से छेड़छाड़ करता था। ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक पुरुष मेरे साथ में छेड़छाड़ करता है। असमय खाते पीते लोगों से, स्वस्थ लोगों से दुर्लभ काया के लोगों को कुंठा होती है, ईर्ष्या होती है। आप इस शख्स को देखिए, जरा गौर से देखिए, जरा मन की आंखों से देखिए। जब इस उम्र में ये इस साइज का और वजन का है, तो पैदाइश के समय में इसका हाल क्या रहा। इसका वजन केवल 21.5 किलो है, मैं तो पैदा ही 2.5 किलो का हुआ था। और इसका हाल ये रहा कि जब ये पैदा हुआ था तो ये बस हुआ था। उस समय सबकी आवाज एक जैसी रहती है, ये पता लगाना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। वो तो दाई एक्सपर्ट थी जिसने बता दिया कि साहब हुआ है, तो पिताजी को तसल्ली हुई इनकी, चलो हुआ है। तो दाई को उन्हें 100 रुपए का नोट दिया कि लो ये हुआ है, तो तुम्हारे लिए ये नोट हुआ है। तो दाई ने 100 रुपए लौटा दिए, बोले साहब हुआ ही क्या है। ये लोग विदेशों में इसलिए जाते हैं और मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मुझे लोग हिंदुस्तान में ठीक से सुन लेते हैं। इन लोगों को दूसरी मुश्किलें हैं। अमेरिका से मुझे निमंत्रण आया कि चौबे जी आपको भी आना है, तो मैं गया अपने फोटोग्राफर में, आपकी फोटो देखी जाती है, कैमरा देखी जाता है, क्या तो सुना देता हूँ।
कि मेरे क्या क्या मुसीबतें मेरे साथ में है। मैं अपने लोकल फोटोग्राफर के पास में पहुंचा, मैंने कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है इसमें क्या हंसने की बात, लेकिन मेरी इमेज ही खराब, सब मुझे देख के हंसते हैं, मेरी संजीदगी कोई पहचानता नहीं। तो मैंने उससे कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूँ उसमें जूते भी आ जाएंगे। हिंदुस्तानी आदमी बुनियादी तौर पे लालची होता है, 2 रुपए में 20 रुपए का आउटपुट चाहता है। तो मैं भी वही अपना महान हिंदुस्तानी, मैं कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूँ उसमें जूते भी आ जाएं। वो बोला आ जाएंगे साहब, सिर पे रख लेना। ये मजाक मेरे साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि मैं हास्यरस कवि हूँ। मुनव्वर राणा साहब बड़े भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त भी हैं, तो लेकिन वो भी मुझसे मजाक कर लेते हैं, खुद बड़े संजीदा शायर हैं, पर मुझको देखते ही उनको फुलझड़ियाँ से छूटने लगती हैं, वो तक मजाक कर लेते हैं मेरे साथ में। पिछले दिनों अमेरिका से लौटे मुनव्वर भाई, तो मैंने कहा साहब मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितना पैसा लग जाएगा? बोले एक भी नहीं, क्योंकि सोचने का क्या पैसा। अकबर साहब जब मैं थोड़ा सा अच्छा खासा था तो मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग मुझको देख के हंसते थे, मेरी कविताओं पे हंसने का मौका ही नहीं आता था, वो मुझको देख के हंसने लगते थे। रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। ऐसा रेट आपने कभी नहीं सुना होगा, दुनिया जाती है किलोमीटर से, मैं जाता हूँ किलो से, अपनी अपनी मार्केट वैल्यू है। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तोलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। मुझको देखते ही कैलकुलेशन होने लगता है किसको बिठाने पे कितना खर्चा हो जाएगा। मेरा दोस्त है लखनऊ का, लखनऊ शहर का है, उसका नाम भी उसका उपनाम भी वैसा ही है, बहुत दुबला पतला है, उसने अपना नाम रखा हुआ है तिनका। रंगो मिर्जा का कभी हाशम का तिनका, और मैं लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, गाड़ी लेट थी, सोचा वजन देता हूँ, वजन देने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तोलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े, लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, 1 साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, 1 साथ 4 लोग न चढ़ें। टिकट तिनके को दिखाया, तिनका भी मुस्कुराया, मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला, इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। हास्य कवियों की मुसीबत है कि उन्हें मशीनें भी छेड़ देती हैं, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मशीनें ही छेड़ती हैं। आप इस दर्द को क्या समझे कि मैंने क्या कहा, भी बात बीवी तक परेशान करती है, लेकिन मैं होता नहीं, यकीन कीजिए जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसा मैं घर में भी बोल लेता हूँ जी। मैं तो अन्य कवियों की तरह नहीं हूँ, उनकी बोलती बंद रहती है, मैं तो उसकी बोलती बंद कर देता हूँ, कभी घर पे आके देखिए विश्वास ना हो तो, ये अपने घर ले चली। मैं तो सब जगह बोल लेता हूँ। एक बार मेरी बीवी मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था, उसमें सारी अकल विश्वास को मिल गई क्योंकि वो ठीक पीछे खड़ा था। तो मैं घबराता नहीं हूँ, बात निकाल लेता हूँ। एक बार मेरी बीवी बोली कि मुझे अपना ब्लड ग्रुप चेक कराना है, डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर मेरा दोस्त है, फोन किया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैंने कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है, ब्लड ग्रुप तो मेरा ही होता, तेरा होता क्या भाई? ये चुनौती आती मेरे साथ में, लेकिन मैं कलेजे वाला हूँ और हंसा लेता हूँ, लोगों को कर लेता हूँ, और क्या करूँ। लेकिन कभी दांव उल्टा पड़ जाता है, औरतें भी तो बुद्धिमान होती हैं। कम से कम दूसरों की तो होती है। लेकिन मेरी बीबी ने भी एक ऐसा दांव मुझे दिया कि मुझे चुप रहना पड़ा। एक बार हम दोनों ग्वालियर में कार में बैठे हुए आउटिंग के लिए जा रहे थे, जाते समय संबंध अच्छे थे, लौटते समय हमेशा की तरह झगड़ा हो गया। मैंने कहा मैं कैसे डोमिनेट करूं, कैसे डोमिनेट करूं, इंतर में मुझे सड़क पे एक गधा नजर आया, तो मैंने दांव दिया, मैंने कहा देख तेरा रिश्तेदार खड़ा है। तो फौरन बोली हाँ शादी के बाद से हो गया है। औरतों के लिए ताली बजाइए जो डोमिनेट कर।
सताता है क्या क्या मुझे दर्द घुटना, सताता है क्या क्या मुझे दर्द घुटना, जो एक बार बैठूं तो मुश्किल है उठना। खुदा को हाजिर नजर जानकर जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। फोटोग्राफर साहब फोटो दे रहे हैं, सामने से दीजिए, इधर के हिस्से का आप क्या करेंगे। मैंने इसलिए कहा कि मेरा जिंदगी में एक भी फोटो नहीं। मैं कैसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह का फोटो खींचता था। मैं कैसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। एक बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था, उसका अभ्यास नहीं था। तो उसने जैसे ही अपना कैमरा मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकल गया, स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा लगातार मुस्कुरा रहा था और जो नहीं थे वो हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छी महफिल है और पहली बार मौका मिला है न्यायपालिका के लोगों के बीच में आने का। मैं बहुत छोटी कविताएं सुनाऊंगा गौरव जी, मैं लंबी कविताएं आप नहीं सुनाता। जब मेरी उम्र थी तब मैं लंबी कविताएं सुनाता था, तो मेरी खुद ही लंबे होने की उम्र इसलिए मैं लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। और लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है। मुझे याद है कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, सामने बैठा कि वीआईपी चल बसा। लंबी कविता सुन के वो लंबा ही हो गया। जज साहब ने उसको कहा कि तुम्हारी कविता से एक आदमी की हत्या हो गई, तुमको फांसी होने वाली है, मैं ही देने वाला हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसको बाइसत बरी कर दिया। मैं ऐसा कभी नहीं करता। और ये हमारी बहन और हमने ने ठीक कहा, अशोक जी ने भी ठीक कहा कि हमारे मंचों पर इन दोनों एक छोटा सा कुटेव आया है कि बहुत तालियों 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 के लिए बार बार कहते हैं। ऐसा होने लगा है, बहन ने भी काफी तालियां बजवाई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी तालियां क्यों बजवाई? ये लोग क्या ताली बजाने वाले? नहीं चाहता किस देश के लोग ताली बजाने वाले। इसलिए अशोक जी ने मेरे बारे में एक बहुत अच्छी बात कही। कविता वगैरह तो जगह होती है, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो मुझे अच्छी लगी, और वो सच भी है शायद कि मैं कवि सम्मेलनों के मंचों पे एक कॉन्फिडेंट कवि के रूप में जाना जाता हूँ। मेरी कविताओं के बारे में पता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या पता वो होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन वो कुछ तो होता है, तभी लोग आते हैं। कॉन्फिडेंस मेरा जन्मजात स्वभाव है। मैं इतना कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि आप लोग तो संख्या में काफ़ी लोग बैठे हैं, मेरा तो वो कॉन्फिडेंस है कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो मैं पूरी रात अकेले निकाल सकता हूँ। बरेली में प्रोग्राम था, वसीम साहब से पूछे बरेली में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत भीड़ आती है साहब, और रात रात भर के कार्यक्रमों की परंपरा है, सुबह हो जाती है और काफ़ी लोग आते हैं। तो बरेली में प्रोग्राम था, मुशायरा था, कवि सम्मेलन था और मैं भी था। 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। अब मेरा नंबर तो लगभग आखिरी में आता है,
क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन भी हो गया। तो रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर माइक पे आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो जैसा कि बताया जाता कि मैं कॉन्फिडेंस वाला हूँ, मैं ना घबराया और मैंने कॉन्फिडेंस से काम किया। और सामने बैठे एकमात्र श्रोता से मैंने कहा कि आप जरूर मेरे लिए बैठे थे। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। साहब, उस दिन मेरा भ्रम टूट गया। मैंने तब तक डिक्शनरी में एक ही शब्द पढ़ा था, कॉन्फिडेंस। मुझे उस दिन मालूम पड़ा कि दूसरा भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने जिंदगी के अनुभव लिए, कोर्ट में खड़ा हूँ, एक कोर्ट में मैं भी दर्शकों में, मेरी इच्छा की दर्शकों में बैठ के दिखना चाहिए। सिनेमा में बहुत सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन अब तक मैं गया कि अपने मेरे वकील दोस्तों ने कहा एक बार मैं कोर्ट की कार्रवाई देखना चाहता हूँ। बोले चलो, ले गया। उस दिन एडिशनल जज वहाँ पर कोर्ट में थे, उनके ऑफिस, उनके कोर्ट में मुकदमा था एडिशनल जज साहब के। तो मुकदमा शुरू हुआ, सुनने लायक बात है, एक किसान के बैल चोरी हो गए थे, उसका मुकदमा चल रहा था चोरी की रिपोर्ट। तो एडिशनल जज साहब ने किसान से पूछा कि तुम्हारे बैल कब चोरी हुए, कैसे चोरी हुए। तो किसान बोला कि साहब, मैं अपने बैलों को लेकर पशु मेले में बेचने जा रहा था, तो मैंने बीड़ी का बंडल लाने के लिए अपने बैलों को पेड़ से बांध दिया। लौट के देखा तो मेरे 3 बैलों की जोड़ी गायब थी। तो जज साहब बोले, 3 बैलों की जोड़ी, जोड़ी तो 2 बैलों की होती है, 3 बैलों की कैसे। तो किसान बोला कि तीसरा एडिशनल था। पढ़ा लगे तो लिखा तो किसान भी था। मैं ईमानदारी से जो वहीं से लाया हूँ तो कुछ नहीं करता, जाता हूँ देखता हूँ, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। आइए बहुत थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ आलपिन सुना देता हूँ ताकि आप वहाँ तक पहुँचें। हालांकि मैं बहुत देर तक सुना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप फिर अगले साल भी आ सकें, जैसा कि मैंने आपसे कहा। कुछ आलपिने हैं, सुना देता हूँ। आलपिने मेरी और माइक्रो कविताएं हैं, छोटी छोटी हैं, कि शेर शेरनी से नहीं। आपने मेरा वो देखा, एक हंसी का पहलू देखा, अब आप मेरा दूसरा पहलू देखिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू आपने देखा कि मैं हंसा सकता हूँ, और दूसरा पहलू ये है कि मैं आपको सीरियस भी कर सकता हूँ और चुटकियाँ दे सकता हूँ। आइए मैं आपको आलपिने सुनाता हूँ। ये मेरा एक नया कारनामा है, एक नई किताब मेरी आ रही है जिसका शीर्षक है आलपिन, और हर पेज पर 3 पंक्तियों की कविताएं हैं। बस कोई भी कविता 4 लाइन से ज्यादा की नहीं है। अब उसमें कुछ इशारे हैं, सुन लीजिए दोस्तों। शेर शेरनी से नहीं डरता, जानवर और आदमी में क्या फर्क है। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। अब ये दूसरे मिजाज की सुन रहे हैं। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। हम लोग सिर्फ शादी करते हैं साहब, या तो विवाह करते हैं या आखिरी तक जीवन तक निर्वाह करते हैं, प्रेम करने की सोचती ही नहीं। शायद ये प्रॉब्लम है, ऐसी करता है। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। सरकारी दफ्तर का सीन सुना रहा हूं, अफसर लोग कैसी बात करते हैं। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप मुझसे बड़े हैं। पता नहीं क्या बोल रहा है। बड़े अफसर ने छोटे को डांटा, आप निकम्मे हैं, एकदम गधे हैं। छोटा बोला, ठीक कहते हैं सर, आप उससे। कुंवारे के दरवाजे, तीसरी आलपिन, छोटी छोटी कविता है, आलपिने हैं। कुंवारे के दरवाजे पर लिखा था, होम स्वीट होम।
शादीशुदा के लिखा था ओम शांति शांति। चौथी आलपिन है, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा, मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है, वो बोला जिस दिन आ जाओ। उसका मतलब था कि तारीख वारी क्या होती है, जब आएगा तभी, तो गया ही नहीं, क्या पता मुझसे ही मनाने का। मैंने अपने मित्र शहाबुद्दीन से पूछा यार बकरा ईद कब है, वो बोला जिस दिन आ जाओ। और सुनिए आपको मजा आएगा आलपिनों में, बीवी एक को जीने नहीं देती, हर एक की कहानी है, हर एक की ट्रेजेडी है, लेकिन मेरी कुछ और भी है। बीवी एक को जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बीवी एक को जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। और एक छोटी सी सुनिए सूरी साहब, कि चूहा कहीं भी, एक बात है भाई, चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। चूहा कहीं भी और अफसर कहीं का भी बिल बना सकता है। आखिरी आलपिन भी सुन दीजिए, औरतों की चूड़ियों पर है ये, औरतों की चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और सब लोग गौर से सुने कि कवि को कविता कहाँ से मिलती। कई बार समाज में सवाल उठता है कि कवि कविता लाता कहाँ से, क्या आसमान से, जमीन से, कि पाताल से। नहीं, कवि हमेशा अपने आसपास से कविता लाता है। ये बिल्कुल आसपास से मिली हुई कविता छोटी सी है, आपको इसमें मजा आएगा। सुहाग की चूड़ी, सुहाग चूड़ी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ये सुहाग का प्रतीक, इस प्रतीक ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया था। मेरे घर में काम करने वाली बाई आती है कमला, छोटे समाज की स्त्री, छोटे समाज की स्त्री, आपने ये श्रृंगार बिंदी और सिंदूर इंदू को लेकर बड़ी सेंसिटिव होती। तो वो कमला बाई अपने हाथ में कांच की 20-20 चूड़ियाँ पहनकर आती है, दिन भर वो चूड़ियाँ खन खनाती रहती हैं और मेरी खोपड़ी में धन धन आती रहती है। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि उससे कहना कि दो ही चूड़ी पहन के आया करे, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो बीवी ने मुझको डांटा, बोले उसका सुहाग उछलवाओगे। तब ये बात मेरे हाथ लगी है, आपको नजर कर रहा हूँ कि सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, सुहाग के लिए सिर्फ एक चूड़ी काफी है, फिर इतनी सारी चूड़ियाँ, आखिर औरतें कितना सुहाग चाहती हैं। आइए सबसे आखिरी में, मैं बहुत अच्छा आपने सुना इसलिए, वरना मैं तो बहुत जल्दी खिसकने वाला कवि हूँ, लेकिन आइए मैं आपको एक बहुत मनोरंजक बात बता करके अपना स्थान दूंगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया से मैं भी प्रभावित, आदमी है तो सोच वाला, इस उम्र में भी इतनी वैज्ञानिकता को सोचता है, दुनिया से कॉम्पीट करना है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में। हमें अभी 104 भेज दिए, 104 सैटेलाइट भेजे, एक मित्र ने बधाई दी, बोले देखा चौबे जी दूसरे देश के भी सैटेलाइट को अपने हिंदुस्तान में भेज दिया। मैंने कहा आसान बात है, जहाँ पर एक ऑटो में 40 लोग बैठ सकते हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी ने, साहब मैं आपको बढ़िया बात सुनाने जा रहा हूँ, ऑनलाइन सर्विस सबसे नायाब तोहफा है। ऑनलाइन बाजार जाना बंद कर दिया, आपके घर में बाजार भेज दिया। अभी मेरी और मेरी पत्नी की शादी की पुण्यतिथि थी, हंसने की क्या बात है, शादी करना पुण्य का काम माना गया, हम दोनों ने पुण्य किया, पुण्य एक बार किया और तिथि शादी हर साल आ जाती। तो मनानी ही पड़ती है, आ गई पुण्यतिथि सालगिरह। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं बाजार जाता हूँ, 1 किलो बूंदी के लड्डू ले आता हूँ। तो बीवी बोली कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डायरी में नंबर लिखा है, ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल, आप नंबर घुमाइए, लड्डू खा रहे। मैंने नंबर घुमाया, ऑनलाइन वाले ने सर्विस शुरू कर दी,
मिठाइयों की दुकान में आपका स्वागत है। मिठाई के लिए एक दवाई, रेवड़ी गजक के लिए दो दवाई, नमकीन के लिए तीन दवाई, मुझको मिठाई चाहिए थी मैंने मिठाई दबा दी, गुलाब जामुन के लिए एक दवाई, बूंदी के लड्डू के लिए दो दवाई, रबड़ी के लिए तीन दवाई, मुझको तो लड्डू देने से मैंने एक दवा दी, बूंदी के लड्डू के लिए एक दवाई। उसने अपनी कहानी शुरू कर दी, मैं फंसा बैठा। बूंदी के लड्डू के लिए एक दवाई, खोए के लड्डू के लिए दो दवाई और बेसन के लड्डू के लिए तीन दवाई, मेरे को बूंदी के लड्डू देने थे तो मैंने बूंदी के लड्डू दबा दिया, एक किलो लड्डू के लिए एक दवाई, दो किलो के लिए दो दवाई, तीन किलो के लिए चार दवाई, पांच किलो के लिए पांच दवाई और पचास किलो के लिए छह दवाई। मेरी खोपड़ी भरने लग गई और घबराहट में मुझसे पचास किलो वाला दब गया। छठवां बटन, पचास किलो वाला बटन दबाते में घबराया। मैंने कहा मर गया यार, मैंने कहा अब तो पचास लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही किया जो कोई भी वकील करता, यानी मैंने फोन काट दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रदीप चौबे के लिए। प्रदीप चौबे ग्वालियर से आपके भी। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था। हमारे ग्वालियर में लगी बड़ी सुपरहिट चारों तरफ शो डायनासोर डायनासोर। मैं भी देखने के लिए गया, टिकट लेने क्यू में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद सामने वाला मुझसे पलट के बोला, धक्का क्यों दे रहे हैं भाई साहब? मैं कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है। तब मेरा दुखी दिल सोचता है, डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, नोएडा वाले कहते हैं रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूं मैं गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम करो, कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। बहुत शानदार तालियां आपने बजाई हैं। मैं तालियों की चिंता नहीं करता हूं, मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। आप लोग तो संख्या में बहुत सारे हैं, मगर एक भी आदमी समझदार सामने बैठा हो तो मैं रात निकाल लेता हूं। अभी बरेली के स्टैंडर्ड में प्रोग्राम हुआ था, बरेली के मैदान में 40,000 श्रोता मैदान में थे। 8 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ और मंच पर 40 कवि थे। जब सुबह 4 बजे मेरा नंबर आया तो पंडाल में 2 लोग थे, एक सुनने वाला और एक मैं सुनाने वाला। लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया, मैंने कहा यार तू मेरे लिए बैठा हुआ है, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ। वो बोला नहीं चौबे जी, आपके बाद मेरा नंबर है। तो आप लोग तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तालियां बजा सकते हैं, कोई बात नहीं। और थोड़ा सुनिए, आज की शाम लाफ्टर शो की शाम है। मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ा गंभीर आदमी हूं, लेकिन मैं क्या करूं कि हंसाने का काम करते करते मेरी इमेज एक हास्य कवि की हो गई है, तो कोई मेरी बात को समझना नहीं चाहता। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया मार्केट में, तो मैंने अंडे वाले से एक बड़ा सिंपल सवाल पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? मुझे मालूम है आप भी गलत समझ रहे हैं, तो मेरी इमेज वैसी है जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए? तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा भाव बता दे, तरीका तू जान, मुर्गी तेरी है कि मेरी है? वो मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे वही देते हैं। और मैंने कहा आप? बोले मैं तो 8 बजे के चला जाता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? तो बोला क्या करें, खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी अंडे दे दिया करते हैं।
मिर्जा गालिब का शेर याद आता है, बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाई अहले करम देखते हैं, तमाशाई अहले करम देखते हैं। मुझे गणपति बता दिया, मुझे कोई एतराज नहीं है। अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। ये मेरा मिसयूज होता रहता है जो मेरे बारे में बता दिया गया। यहाँ पे तालियों की कोई जरूरत नहीं, मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ, मुझे तालियों की कोई चिंता नहीं होती। हालांकि बहुत सारे कवि अगर ताली ना बजाएं तो श्राप दे देते हैं। एक कवि के लिए तालियां नहीं बजी तो गुस्से में श्राप दे दिया उसने जनता को कि तालियां नहीं बजाओगे तो वो श्राप दूंगा कि अगले जन्म में घर घर जाके बजाओगे। अब आप लोगों ने बजा दी, अपना जन्म अभी ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात। मेरे गाया में प्रॉब्लम होती है लोगों को, मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, उसमें दूसरे का क्या जाता। अब मेरी समस्या सुन लीजिए, हाँ फोटो खींच लीजिए, बाद में क्या पता रहूँ ना रहूँ। मैं ग्वालियर के फोटोग्राफर के पास में गया, मैंने कहा यार पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाना है, चाहता हूँ उसमें जूते भी आ जाएं। वो बोला आ जाएंगे, सिर पे रख लेना।